सो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाला है कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सट एप्लीकेशन सिखाने वाला है आप सबको। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एक बेस्ट मिस मत करना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आप सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। सो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए हमें पहले पिक्सर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, मैं यहाँ पर पिक्सर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है और एडिटेड फोटो पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमें बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सो इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर से डाउनलोड कर लेना। तो पहले हमें टूल्स पर जाना है और यहाँ पर हमें रिसर्च पर हमें क्लिक कर देना है, ओके। तो यहाँ पर रिसर्च कर लेना है यहाँ पर 5000, ठीक है। तो 5000 यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर सजेस्ट करें 3000, तो मैं यहाँ पर 3000 कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सब भी कर लेना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट कर लेना है। सो इसलिए हमें टूल्स पर और यहाँ पर एडजस्ट पर जाना है, ठीक है। देन यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मैं कम कर लेता हूँ, और यहाँ पर हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, साइडों को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ। देन अब हमें डन कर देना है, और डन कर देने के बाद अब हमें मॉडल का जो पिक्चर है उसको हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। सो इसलिए हमें ऐड फोटो पर जाएंगे, और ऐड फोटो पर जाने के बाद मॉडल का जो पिक्चर है उसको हमें ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज करके रख दिया था ताकि हमारा जो वीडियो है वो लंबा नहीं हो जाए, तो इसलिए मैं बैकग्राउंड को इरेज कर लिया था, ठीक है। तो आप सबको अगर इरेज करना नहीं है तो बैकग्राउंड को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया हो, आप जाकर सर वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें एडजस्टमेंट करके सेट कर देना है, ओके। देन आप हमें जाना है फिर से ऐड फोटो पर, और ऐड फोटो पर जाके हमें एक लाइट पीएनजी और एक ग्रास पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है। सो ये रहा जो लाइट पीएनजी, इसका जो ब्लाइंडिंग मोड है, ब्लाइंड मोड को हमें स्क्रीन कर देना है। और स्क्रीन कर देने के बाद लेफ्ट साइड पे जो ये वाला जो आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देना है और मूव डाउन कर लेना है पिक्चर को, ठीक है। सो देख सकते हो गाइस, ये जो लाइट पीएनजी था वो पीछे हट गया है, और इसका ऑपोजिट को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमें ये जो ग्रास पेंच था इसको हमें कुछ इस तरह से पिक्चर के साइज के मुताबिक हमें इस तरह से एडजस्टमेंट करके सेट कर देना है नीचे के साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो जो ग्रास कलर है वो ग्रीन है, तो इसको हमें चेंज कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर एडजस्ट पर जाकर ह्यू को हमें यहाँ पर -56 कर देना है, ठीक है। इससे हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें सिंपली डन कर देना है पिक्चर को। सो यहाँ पर डन कर देने के बाद अब हमें जाना है फिर से ऐड फोटो पर, और ऐड फोटो पर जाने के बाद दो वाट पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। तो आप हमें कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करके सेट कर देना है, और ये वाला जो पीएनजी था इसको हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर देना है, और इसका ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ठीक ठाक से एडजस्टमेंट करके सेट कर दिया हूँ। तो आप हमें क्या करना है, आप हमें सिंपली यहाँ पर डन कर देना है पिक्चर को, ओके। सो डन कर देने के बाद फिर से हमें ऐड फोटो पर जाना है, और ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर हमें ये वाला जो पीएनजी है एडजस्टमेंट करके ऊपर के साइड पे सेट कर देना है, ओके। सो यहाँ पर सेट कर देने के बाद यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। तो आप सभी की पिक्चर को डन कर देना। सो डन कर देने के बाद पिक्चर को सेव कर लेना है। सो सेव करने के लिए लेफ्ट साइड पर जो आइकन है, आइकन पर टैप कर देना है, जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा गैलरी, ठीक है। तो आप हमें गैलरी के अंदर आ जाना है, और आ जाने के बाद यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट करने के लिए हमें शेयर वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है, और इस वाले पिक्चर को हमें शेयर कर लेना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सेट कर देने के बाद आप हमें क्या करना है, अब हमें लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। सो ओपन कर देने के बाद अब हमें पिक्चर को ओपन कर लेना है। तो आप हमें कलर एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। सो इसलिए यह बार जो ये वाला आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देना है। तो यहाँ पर ऑटो देख सकते हो गाइस, ऑटो कलर एडजस्टमेंट हो गया है। तो आप हमें क्या करना है, आप हमें सिंपली यहाँ पर टेम्परेचर वाली जो आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देना है, और यहाँ पर हमें टेम को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और टिन को थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, और यहाँ पर विब्रेंस को भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। आप हमें कुछ नहीं करना है, आप हमें जाना है मिक्स टूल के अंदर। सो पहले वाला जो कलर था इसका सैचुरेशन को इंक्रीज,
सेकंड वाला कलर को सैचुरेशन को डिक्रीज और लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। आप हमें येलो कलर पर आ जाएंगे या पर सैचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे। आप हमें ग्रीन कलर पर आ जाएंगे या पर सैचुरेशन को इंक्रीज और ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। आप हमें जाना है ब्लू कलर पर, यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा कम और यहाँ पर सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। देन आप हमें कुछ नहीं करना है, आप हमें सिंपली डन कर देना है पिक्चर को। हमारा कलर एडजस्टमेंट हो गया है तो सिंपली यहाँ पर डन कर देने के बाद आप हमें ये वाला जो आइकन है आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ पर टेक्सचर और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा ऐड कर लेना, ठीक है। तो यह पर हमारा काम ख़त्म हो गया है तो अब सब पिक्चर को सेव कर लेना है, ठीक है। तो यह पर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइस कितना ऑसम सी लग रहा है। तो पिक्चर को सेव करने के लिए शेयर वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है और यह पर हमें एक्सपोर्ट पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट एक्स पर जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा हमें। सो फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो था वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देने के लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना। वीडियो देखने के लिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो।